Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are fine and enjoying good health. So students, let's start our lecture. It's class 2, lecture number 3, and it's subject of English. The lesson name is The Trap. Page number 12, please students open your books. First of all, I will give you a short overview about the story, that what the writer is telling us about the story. तो स्टूडेंट्स, इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शेर होता है, वो एक जंगले में फंस जाता है. जंगला वो होता है जिसमें हम परिंदों को कैद करते हैं या जानवरों को कैद करते हैं, तो वो उसमें फंस जाता है. वो उससे निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो उससे निकल नहीं पाता, क्योंकि वो जंगला जो होता है वो बहुत मज़बूत होता है. उसकी जो सलाखें होती हैं वो लोहे की होती हैं, तो वो उससे निकल नहीं पाता. वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कि मुझे कोई इसे बाहर निकाले, लेकिन कोई भी उसे बाहर नहीं निकालता. तो वो एक लड़का वहाँ से गुजर रहा होता है, तो वो उसे देखता है और शेर उसको बुलाता है कि तुम मेरी मदद कर दो. तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं पागल हूँ जो तुम्हारी मदद करूँ, तुम मुझे खा लोगे. तो वो शेर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा, तुम एक बार मेरी मदद कर दो और मुझे बाहर निकाल दो. तो लड़का कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा. तो शेर जो है वो चिल्लाता रहता है. तो आखिरकार वो जो लड़का होता है वो उसकी हेल्प करता है और वो जंगला खोल देता है. और जैसे ही वो उसको खोलता है तो शेर बाहर निकल आता है और उसको आके पकड़ लेता है. तो वो उसे कहता है, तुम पागल, तुमने मुझे खोल दिया, अब मैं तुम्हें खा लूँगा. तो जो बच्चा होता है, लड़का होता है, वो उससे हेल्प की मतलब रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे ना खाओ, मैंने तुम्हें बाहर निकाला. तो वो जो शेर होते हैं कहते हैं, शायद मैं तुम्हें ना खाऊँ, लेकिन तुम इससे पहले ये एक काम करो कि जो तीन चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं ना, तो तुम उनसे हेल्प मांगो. अगर उन्होंने तुम्हारी हेल्प कर दी तो मैं तुम्हें नहीं खाऊँगा. तो उसे तीन चीज़ें कौन सी नज़र आ रही होती हैं लड़के को? सबसे पहले वो एक दरख्त के पास जाता है, वो जहाँ खेतों में होता है ना, वहाँ एक दरख्त लगा होता है बहुत बड़ा. वो उस दरख्त के पास जाता है और उस दरख्त को बताता है शेर के बारे में और उसे कहता है कि तुम मेरी मदद करो. तो वो दरख्त कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, लोग मेरे फल तोड़ के ले जाते हैं और मेरी शाखें काट देते हैं, मेरी कोई भी हेल्प नहीं करता, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, तुम जाओ यहाँ से. लड़का चला जाता है. फिर वो एक बैल को देखता है, खेतों में बैल चल रहा होता है, वो काम कर रहा होता है, वो बैल के पास चला जाता है. वो लड़का जाके बैल से कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा. तो बैल उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूं, बहुत ज़्यादा काम मुझसे लिया जाता है और मुझे बदले में खाने के लिए बहुत थोड़ा दिया जाता है, तो मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ. लड़का फिर वहाँ से भी चला जाता है. फिर उसे वो रोड के पास जाता है, सड़क के पास जाता है, सड़क से कहता है कि मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा, तुम मेरी मदद करो. तो वो सड़क उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, सारा दिन लोग मुझ पे चलते हैं, मुझ पे सफ़र करते हैं, मुझ पे कूड़ा किरकट फेंकते हैं, कोई भी मेरी मदद नहीं करता, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ. तो वो उसे कहता है, जाओ तुम शेर के पास वापस जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे. तो लड़का बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है कि मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा. तो वो वापस जा रहा होता है शेर के पास, के रास्ते में उसे गीदड़ मिल जाता है. तो गीदड़ उस लड़के को जब देखते हैं तो वो उसे कहता है कि तुम इतने अफसरदा क्यों हो, क्या हुआ है? तो वो कहता है कि शेर के बारे में उसे सारा बता देता है कि ऐसे ऐसे मैंने उसको खोला था, उसे आज़ाद किया, तो वो मुझे उसने पकड़ लिया, वो मुझे खा जाएगा, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा. तो वो उसे कहता है कि मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा. तो गीदड़ उसे कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ शेर के साथ पास चलता हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ. तो वो उसे शेर के पास लेके जाता है. और जो गीदड़ होता है वो बहुत क्लेवर होता है, बहुत होशियार होता है. वो शेर से कहते हैं कि तुम इस जंगले में फंसे कैसे थे, पहले मुझे ये बताओ कि जब पहली बार तुम इसमें फंसे, कैसे फंसे? तो वो शेर कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं. गिदड़ उसे कहते हैं, मुझे करके दिखाओ कि तुम कैसे फंसे. तो वो जो शेर होता है उसकी बातों में आ जाता है. वो जाता है वापस जंगले की तरफ, उसका दरवाज़ा खुला होता है, और वो जैसे ही अंदर जाता है तो गिदड़ जो होता है वो बाहर से उसका दरवाज़ा जंगले का बंद कर देता है और वो उसमें फंस जाता है. तो गिदड़ जो उसे होता है उसे कहता है कि अब तुम इसी जंगले में रहो, और वो लड़के को साथ लेके चला जाता है. तो ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था इस लेसन के बारे में. एंड नाउ मूव टुवर्ड्स द रीडिंग. स्टूडेंट्स, प्लीज पुट योर फिंगर्स ऑन द लेसन एंड स्टार्ट रीडिंग. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक वक्त था, अ टाइगर वॉज कॉट इन अ ट्रैप, एक शेर जो है वो जंगले में फंस गया. ही ट्राइड, उसने कोशिश की, एंड ट्राइड और फिर कोशिश की टू गेट आउट, बाहर आने की, बट द ट्रैप, लेकिन जंगला, वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत था. एंड ही कुड नॉट गेट, और वो नहीं आ सका बाहर, थ्रो द बार्स, उसकी सलाखों से. वो जंगला बहुत ज़्यादा मजबूत था और शेर उसकी सलाखों से बाहर नहीं आ सका. जस्ट देन, तभी अ बॉय केम, एक लड़का आया, वॉकिंग बाय, पास से गुजरता हुआ.
तभी एक लड़का पास से गुजरता हुआ आया. द टाइगर क्राइड, शेर चिल्लाया, आउट, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो. माई फ्रेंड, मेरे दोस्त. शेर चिल्लाया, मेरे दोस्त मुझे बाहर निकालो. प्लीज लेट मी आउट, बराए मेहरबानी मुझे बाहर निकालो. ऑफ दिस ऑफुल ट्रैप, इस खौफनाक जंगले से. नो, नहीं, सेड द बॉय, लड़के ने कहा. यू विल ईट मी अप, तुम मुझे खा जाओगे. नो नो, नहीं नहीं, सेड द टाइगर, शेर ने कहा. आई शैल बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा. एंड सर्वेंट, और गुलाम. मैं तुम्हारा दोस्त और गुलाम बन जाऊँगा. देन ही क्राइड, तब वो चिल्लाया. एंड क्राइड, और चिल्लाया. अंटिल एट लास्ट, यहाँ तक कि. द बॉय ओपन द डोर, लड़के ने दरवाज़ा खोल दिया. द टाइगर, शेर ने इमीडिएटली फौरन कॉट, पकड़ लिया. होल्ड ऑफ हिम, लड़के को. जैसे उसने जंगला खोला तो शेर ने लड़के को पकड़ लिया. यू फूल, तुम बेवकूफ, तुम अहमक. रोड, धाड़ा. द टाइगर, शेर. शेर धाड़ा. धाड़ना कहते हैं जब जानवर अपनी आवाज़ में चिल्लाते हैं या आवाज़ें निकालते हैं, उसको धाड़ना कहते हैं. नाउ, अब. आई शैल ईट यू अप, अब मैं तुमको खा जाऊँगा. द बॉय स्टार्टेड टू क्राई, लड़के ने रोना शुरू कर दिया. एंड द टाइगर सेड, और शेर ने कहा. ऑल राइट, ठीक है. पर हैव, शायद. आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूँ. शायद मैं तुम्हें जाने दूँ. आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकारो. फ्रॉम थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों से. यू सी, जो तुम देख रहे हो. तीन चीज़ें जो तुम देख रहे हो, उनसे मदद के लिए, उनको मदद के लिए पुकारो. इफ़ दे एग्री, अगर वो राज़ी हो गए टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए. आई शैल लेट यू गो, तो मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे दूँगा. फर्स्ट, पहले. द बॉय आस्क अ ग्रेट टी, सबसे पहले लड़के ने एक बड़े दरख्त से पूछा. इन द फॉरेस्ट, जंगल में. फॉर हेल्प, मदद के लिए. सबसे पहले लड़के ने जंगल में एक बड़े दरख्त से हेल्प के लिए पूछा. बट द ट्री लाफ्ड, लेकिन दरख्त जो था वो मुस्कुराया. वाई शुड आई हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए. सेड द ट्री, दरख्त ने कहा. यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो. पीपल टेक माई फ्रूट, लोग मेरे फल ले जाते हैं. एंड कट माई ब्रांचेज, और मेरी शाखें काट देते हैं. नो बॉडी हेल्प्स मी, मेरी कोई भी मदद नहीं करता. गो अवे, चले जाओ. नेक्स्ट द बॉय, उसके बाद लड़का. वाज सा अ बुल्क, एक बैल को देखता है. वॉकिंग इन अ फील्ड, जो एक खेत में काम कर रहा होता है. ही आस्क द बुल्क फॉर हेल्प, वो बैल से मदद के लिए पूछता है. यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो. सेड द बुल्क, बैल कहता है. आई वर्क हार्ड ऑल डे, मैं तमाम दिन, पूरा दिन बहुत ज़्यादा सख्त मुशक्कत करता हूँ. एंड गेट लिटल टू ईट, और बहुत थोड़ा खाने को मिलता है. नो बॉडी हेल्प्स मी, मेरी कोई मदद नहीं करता. गो अवे, चले जाओ. फाइनली, आखिरकार. द बॉय सेड टू द रोड, लड़का रोड से कहता है, सड़क से कहता है. ओ रोड, ओ सड़क, प्लीज़ आस्क द टाइगर, बराए मेहरबानी टाइगर से कहो, शेर से कहो. टू सेट मी फ्री, के मुझे आज़ाद कर दे. नेवर, कभी नहीं. सेड द रोड, सड़क कहती है कभी भी नहीं. यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो. लुक एट मी, मेरी तरफ देखो. पीपल वॉक, लोग चलते हैं. एंड राइड, और सफ़र करते हैं या सवारी करते हैं. ऑल ओवर मी, मुझ पे. दे थ्रो रबिश, वो कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं. ऑन मी, मुझ पर. नो बॉडी हेल्प्स मी, मेरी कोई भी मदद नहीं करता. गो बैक टू द टाइगर, वापस शेर के पास चले जाओ. द बॉय वॉज सैड, तो लड़का अफसुरदा हो जाता है. बट ही वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का, बहुत ईमानदार होता है. ही वॉक बैक, वो वापस चला जाता है. टू द टाइगर, शेर के पास. ऑन द वे, जाते हुए. रास्ते में ही मेट, वो मिलता है अ जैकल, एक गीदड़ से. तो रास्ते में जाते हुए वो एक गीदड़ से मिलता है. व्हाट्स द मैटर बॉय, गीदड़ उसे पूछता है. क्या मसला है लड़के, आस्क द जैकल, गीदड़ ने पूछा. द बॉय टोल्ड हिम, लड़के ने उसको बताया. अबाउट द टाइगर, शेर के बारे में. द जैकल फेल्ट सैड, तो गीदड़ जो है वो अफसुरदा हो जाता है. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. ही सैड, उसने कहा. एंड वेंट विद द बॉय टू द टाइगर, और लड़के के साथ शेर के पास चला जाता है. हाउ डू यू गेट इन टू द ट्रैप इन द बिगनिंग, तो वो गीदड़ जो होता है वो उससे पूछता है, शेर से, कि तुम आगाज़ में, शुरू में इस जंगले में कैसे फंसे थे. ही आस्क द टाइगर, वो शेर से पूछता है. लाइक दिस, इस तरह कैसे फंसे थे, रिप्लाइड द टाइगर. शेर कहता है, बट हाउ, लेकिन कैसे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कैसे फंसा था. शो मी, मुझे दिखाओ.
सैड द जैकल, गिदड़ ने कहा। गिदड़ कहता है मुझे करके दिखाओ कैसे फंसे थे। द टाइगर वॉक्ड बैक, शेर जो होता है वो वापस जाता है इन टू द ट्रैप उस जंगले में, एंड एट वंस द जैकल शट द डोर, और फौरन जो गिदड़ होता है वो दरवाजा उसका जंगले का बंद कर देता है। नाउ स्टे देयर, अब यहीं पे रहो, सैड द क्लेवर जैकल, होशियार गिदड़ शेर से कहता है। एंड ही एंड द बॉय वेंट अवे, और वो और लड़का वापस चले जाते हैं वहाँ से। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द रीडिंग, एंड नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द वर्ड मीनिंग्स। दीज आर वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन, प्लीज राइट डाउन दीज वर्ड मीनिंग्स ऑन योर नोटबुक्स। कॉट, पकड़ना, ट्रैप, जंगला, बार्स, सलाखें, ऑफुल, खौफनाक, सर्वेंट, गुलाम, क्राइट, चिल्लाना, थ्रो, फेंकना, रबिश, कूड़ा गिरगिट, जैकल, गिदड़, इमीडिएटली, फौरन, फूल, अहमक, रोट, धारणा, लाफ्ट, हंसना, ब्रांचिज, शाखें, बुल्क, बैल, राइट, सवारी करना, बिगनिंग, आगाज, स्टे, रहना। स्टूडेंट्स, आप सबने इन वर्ड्स मीनिंग को अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन कर लेना है, और अगर कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके हमें बता सकते हैं, दोबारा उसको क्लियर कर देंगे। और आपने इन वर्ड्स मीनिंग को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करके उसकी पिक्चर कैप्चर करके स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पे आपने सेंड कर देनी है, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने होमवर्क कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा, और आपने इसी तरह एक स्टोरी की टाइप, स्टोरी की फॉर्म में ही इसे याद करना है, तो ये आपके लिए ईजी रहेगा याद करना। तो ओके स्टूडेंट, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।